आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर VBA का इस्तेमाल करके खुद का फंक्शन बनाना सीखेंगे। ये एक्सेल VBA सीरीज का 13th वीडियो है, 13वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग चार अलग अलग तरह का फंक्शन बनाएंगे, जहां पे सबसे पहले टाइप वन के बारे में समझते हैं। टाइप वन जो फंक्शन है वो हम लोग वैसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं पास होगा, एक भी आर्गुमेंट नहीं पास होगा और उसका रिटर्न टाइप भी कुछ भी नहीं होगा, विदाउट एनी रिटर्न टाइप बनाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए टाइप वन फंक्शन को पहले बना के समझ लेते हैं। यहां पे आपको व्यू के अंदर मैक्रोस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको चले आना है व्यू मैक्रो में, ऐसा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और यहां पे कोई भी मैक्रो का नाम देके आपको यहां से क्रिएट पे क्लिक करना है ताकि विजुअल बेसिक का जो एडिटर है वो आपके सामने ओपन हो जाए। यहां पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। अभी मुझे फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो लिखना है फंक्शन स्पेस, फंक्शन का जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो आप दे दो, ब्रैकेट ओपन। लेकिन चूंकि अब यहां पे आपको पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं पास करना है तो आप ब्रैकेट बंद कर दो और इंटर प्रेस कर दो। और यहां पे मैं मैसेज दे देता हूं एमएसजी बॉक्स के थ्रू, हाय हाउ आर यू। मैंने ऐसा मैसेज देके डबल कोटेशन से मैसेज को बंद कर दिया। ये फंक्शन आपका बन के तैयार है जिसका नाम डिस्प है, जो एक भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चूंकि डिस्प फंक्शन का जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और दाहिने साइड में ये एज इंटीजर या समथिंग रिटर्न टाइप भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये रिटर्न भी नहीं कर रहा है। अभी एक्सेल वर्कशीट पर आपको आना है और सिंपली किसी सेल को सेलेक्ट करके, अगर आप लिखते हो इक्वल्स और देखो आप डिस्प लिखते हो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद इंटर, ये देखो आपके सामने मैसेज आ गया हाय हाउ आर यू। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप एक्सेल के अंदर VBA का इस्तेमाल करके एक फंक्शन आप बना सकते हो जो कि किसी पर्टिकुलर मैसेज को या कुछ भी डिस्प्ले करने के काम आ सकता है, जो कि बिना आर्गुमेंट के बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे आप फंक्शन बना सकते हो विदाउट एनी आर्गुमेंट। यहां मैं ओके लगा दे रहा हूं। अभी देखो दूसरा फंक्शन हम लोगों को सीखना है, टाइप टू फंक्शन विथ वन और मोर पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप। अभी क्या है कि अभी आपने जो फंक्शन बनाया डिस्प नाम का, जिसको आपने यहां पे कॉल भी किया एक्सेल के अंदर, ये एक फिक्स्ड मैसेज दे रहा है हाय हाउ आर यू। अभी मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से स्ट्रिंग पास करूं और वहां से मैसेज आए हाय जो भी नाम या जो कुछ भी मैं ग्रीटिंग्स यहां से पास करूं, तो इसके लिए आप यहां पे एक और फंक्शन बना लो। चलो लिखो फंक्शन, ऐसा आपको लिख देना है फंक्शन, और मान लिया जाए एक आप दे देते हो माई डिस्प, कुछ भी नाम दे दो। इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो, कोई भी आप मैसेज पास कर रहे हो, तो आप लिखते हो मैसेज एज स्ट्रिंग, ओके ब्रैकेट बंद। चूंकि इसका रिटर्न टाइप नहीं है ऐसा हम लोग सोच के चल रहे हैं, तो यहां इंटरप्रेस कर देना है और एमएसजी बॉक्स में आप मैसेज को प्रिंट कर दो। यहां डबल कोटेशन में आपको इस मैसेज वेरिएबल को नहीं घेरना, चूंकि मैसेज कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है बल्कि एक वेरिएबल है। हाँ, उस वेरिएबल में कोई टेक्स्ट मैसेज होगा क्योंकि मैसेज जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। यहां पे एक काम और करना चाहिए हम लोगों को, बाई वैल कीवर्ड लगा देना चाहिए, जो कि ये बता रहा है कि मैसेज नाम का जो आर्गुमेंट है ना, जो इस फंक्शन में पास किया जा रहा है, वो पास बाई वैल्यू मैकेनिज्म के थ्रू पास हो रहा है। जहां पास बाई वैल्यू मैकेनिज्म क्या है ये हम लोग आगे जानेंगे। अभी अल्ट टैब से आप वापस से आओ एक्सेल के शीट पे और यहां पे आप ऐसे ही इक्वल्स, आपका माई डिस्प है, फंक्शन का नाम क्या है आपका माई डिस्प है, तो आप यहां पे लिखो इक्वल्स माई डिस्प और यहां पे आप कुछ भी लिख दो हेलो, कोई भी एक मैसेज पास कर दो डबल कोटेशन के अंदर और ब्रैकेट बंद करके इंटरप्रेस करो, देखो यहां पे हेलो आ गया है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे आप एक फंक्शन बना सकते हो एक या एक से अधिक आर्गुमेंट के साथ। अभी मैं चाहूं तो एक से अधिक आर्गुमेंट के साथ ही बना सकता हूं। देखो यहां पे अगेन मैंने ओपन कर लिया VBA का एडिटर और यहां पे मैं लिखता हूं फंक्शन, सपोज मैंने लिख दिया बिग, बिगेस्ट निकालना है, ओके बिग लिख के यहां पे मैंने डाला, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, बाई वेल ए एज इंटीजर कॉमा बाई वैल बी एज इंटीजर।
अभी मुझे इससे बिगेस्ट निकालना है। मैं जो बिग फंक्शन बना रहा हूं इसका काम क्या है कि ये दो वैल्यू एक्सेप्ट करे, पहले वैल्यू को ए नाम के वेरिएबल में रखे और दूसरे को बी में रखे, दोनों जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का होगा और दोनों में से जो भी बिगेस्ट है ना उसको प्रिंट कर दे। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं डिम रेस एज इंटीजर, जहां पर मैं बिगेस्ट नंबर को रखूंगा और यहां पे अब मैं इफ लगा रहा हूं। इफ अगर ए का वैल्यू बी से ज्यादा हो देन क्या करो, देन ऐसा करो ना कि रिजल्ट में रख दो ए को, क्योंकि ए ज्यादा है बी से, नहीं तो अदरवाइज एल्स रिजल्ट में रख दो बी को। और इफ का एंड इफ मैंने बंद कर दिया और उसके बाद मैसेज बॉक्स में मैंने लिखा बिगेस्ट इंटीजर इज प्लस एसटीआर ऑफ रेस, जहां पे मैंने ऑलरेडी इन सारे चीजों पे वीडियो बना के रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा कि कैसे एमएसजी बॉक्स काम करता है, इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एसटीआर फंक्शन क्या है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वीबीए एक्सेसरीज का, आप लोग उसको देख लेंगे, उसके सारे वीडियोज को देख लेंगे ताकि ये सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अभी देखो मैंने यहाँ पे बिग नाम का फंक्शन बना दिया, दो आर्गुमेंट पे ये काम करेगा, दोनों में से जो बिगेस्ट होगा उसको निकाल के कैलकुलेट करके और मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देगा कि बिगेस्ट इंटीजर आपका ये है। अभी वापस से आते हैं यहाँ पे हम लोग एक्सेल शीट पे, अभी हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्वल्स बिग और सपोज मैंने डाला 10.23। अभी देखो बिगेस्ट इंटीजर इज 23 ऐसा कुछ आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज यहाँ पे आपने डाला 34 और यहाँ पे आपने डाल दिया 45। अभी आप यहां पे लिखो इक्वल्स बिग और यहां पे आप सेल एड्रेस पास कर दो, पहला वैल्यू मेरा यहां है कॉमा, दूसरा वैल्यू इस सेल में है, ब्रैकेट बंद इंटर। देखो आपके पास बिगेस्ट इंटीजर जो है वो 45 आ रहा है। अभी आपको क्या करना है ना, अगर आप चेंज करते हो, सपोज यहां आप 200 डाल देते हो और यहां पे आप जो है 235 डालते हो, जैसे ही आप चेंज करोगे देखो ये खुद से कॉल हो जाएगा ये वाला फंक्शन, क्योंकि यहां पे फंक्शन लगा हुआ है। अदरवाइज आप F2 से एडिटिंग मोड में खोल लो उस सेल को और इंटरप्रेस करो, अगेन ये कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने दो टाइप का फंक्शन बनाना सीखा। पहला जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया वो विथ नो पैरामीटर था, दूसरा फंक्शन विथ वन और मोर पैरामीटर्स था। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि वैसा फंक्शन कैसे बनाया जाएगा जो जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं पास हो लेकिन उसका एक रिटर्न टाइप हो। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, एक फंक्शन हम लोग फिर से बना लेते हैं। यहां पे फंक्शन, सपोज हम लोग फंक्शन का नाम रखते हैं टिक, एक भी पैरामीटर हम लोगों को नहीं लेना, इसके अंदर पास नहीं करना, इसीलिए टिक का ब्रैकेट मैंने ओपन किया और जस्ट मैंने बंद कर दिया। अब यहां मैं लिखता हूं एज इंटीजर, मतलब कि टिक नाम का जो फंक्शन अभी हम लोग बना रहे हैं उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अभी हम एक ले लेते हैं डिम वी एज इंटीजर, एक वेरिएबल मैंने ले लिया वी नाम का इंटीजर टाइप का और इस वी में यूजर से इनपुट लेकर के, यूजर से इनपुट लेने का काम जो है वो इनपुट बॉक्स के थ्रू होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सीआईएनटी इन द केस ऑफ इंटीजर। मतलब अगर आप इंटीजर वेरिएबल का इनपुट ले रहे हैं तो आपको सीआईएनटी फंक्शन लगाना ही होगा इनपुट बॉक्स के साथ, ऐसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। अभी यहां पे मैं मैसेज देता हूं इंटर एनी इंटीजर और यहां पे ये ब्रैकेट बंद किया इनपुट बॉक्स का, वापस से बंद किया सीआईएनटी का। ओके, और अब आपको यहां से रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए जो जिस नाम का फंक्शन है वो नाम आप लिखेंगे, चूंकि टेक नाम का फंक्शन है मैंने टेक लिखा इक्वल्स और ये वेरिएबल वी का वैल्यू रिटर्न करना है तो मैंने टेक इक्वल्स वी लिख दिया। अभी ये हो गया, अब मैं यहां आता हूं वापस से एक्सेल शीट में और यहां पे मैं टेक को कॉल कर रहा हूं। ओके, मैंने यहां लिखा एक्सेल को सेलेक्ट करके इक्वल्स टेक, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, पैरामीटर तो पास करना है नहीं क्योंकि ये तो पैरामीटरलेस फंक्शन है, इंटर। अभी देखो ये जो है ना इनपुट बॉक्स के वजह से ये एक इंटीजर मांग रहा है, सपोज मैंने 500 डाला, ओके किया, अभी देखो यहां पे ये 500 आ रहा है। ठीक है, यहां पे इससे पहले वाला भी फंक्शन कॉल हो जा रहा है, चूंकि यहां पे मैंने ये जो फंक्शन कॉल किया है ना ये मैंने डिलीट नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई सेपरेटली यही फंक्शन कॉल हो कोई बात नहीं, आप यहां पर लिखो इक्वल स्टेक, बाकी को मैंने मिटा दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद इंटर। अभी आप यहां डालो 230, इंटरप्रेस करो, देखो आपके पास रिटर्न वैल्यू में 230 है। मतलब कि इस पर्टिकुलर सेल में मैंने क्या किया, मैंने तो टेक को कॉल किया, अभी टेक फंक्शन ने अपने बॉडी के अंदर लिखे हुए कोड के वजह से कोई एक वैल्यू, कोई एक इंटीजर का इनपुट लिया
और फिर उसने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न होके ये जो 700 मैं फिल कर रहा हूं ये कहां आएगा, उसी सेल में आएगा जहां पे मैंने उस फंक्शन को यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये फंक्शन बनाना भी सीखिए। यहां भी मैं ओके टैग लगा दे रहा हूं। अब आपको बनाना है टाइप फोर फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें एक या एक से अधिक पैरामीटर पास करना है और साथ में आपको रिटर्न टाइप भी इसका होगा। एक्चुअल फंक्शन तो यही है जिसका जिसमें आर्गुमेंट भी पास हो और उसका रिटर्न टाइप भी हो, बेसिकली फंक्शन का रिटर्न टाइप होना ही चाहिए। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं ना कि एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, फंक्शन माय सम, जहां पे मैं क्या करता हूं कि दो वेरिएबल ले लेता हूं, बाई वेल ए एज इंटीजर या एक्स एज इंटीजर, कुछ भी नाम दे दो आप, कॉमा बाई वेल वाई एज इंटीजर। ओके, और इसका रिटर्न टाइप भी आपका इंटीजर होगा, आपने ऐसा कर लिया। अब आप यहां पे चूंकि आपको सम निकालना है, चलो आप यहां पे ले लेते हो डिम रेस एज इंटीजर, और रिजल्ट में आप एक्स और वाई के एडिशन को रख लेते हो, चूंकि फंक्शन का नाम माई सम मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इससे मैं एड निकालना चाहता हूं, मैं एडिशन करना चाहता हूं। अब रिटर्न करने के लिए फंक्शन का नाम इज इक्वल टू जो आपका रिजल्ट का वैल्यू है ना, रेस नाम का वेरिएबल आप रख लो, हो गया। अभी क्या है कि ये जो माई सम नाम का फंक्शन बना, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और जो भी वैल्यू आप डालोगे उसके एडिशन को ये वापस कर देगा। आओ इसको चेक कर लेते हैं। वापस से एक्सेल शीट पर मैं आता हूं और यहां पे ऐसे ही मैं चेक कर लेता हूं, इक्वल्स माई सम ब्रैकेट ओपन, अभी मैं यहां डालता हूं 12.70 ब्रैकेट बंद इंटर, देखो इसने 82 दे दिया। ये आपका खुद का फंक्शन है, एक्सेल का फंक्शन नहीं है। अभी देखो इसका कितना बढ़िया यूज है। सपोज आप यहां लिखते हो नंबर वन और यहां पे आप लिख देते हो नंबर टू और यहां पे आपको एडिशन निकालना है। ओके, अभी है ना कि मैं क्या करता हूं कि इसको फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करके इन दोनों पे भी मैं अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अभी आप यहां पे मान लिया आप 12 आपने डाला, 34 45 56 67, यहां पे भी आपने कोई दो नंबर डाल दिया, और अब आप यहां लिखते हो इक्वल्स माई सम जो आपने बनाया था, पहला जो वैल्यू है वो इस सेल में है कॉमा, दूसरा जो वैल्यू है वो इस सेल में, ब्रैकेट बंद इंटर, यहां पे इसने वैल्यू निकाल दिया, रिजल्ट एडिशन निकाल दिया। अभी शिफ्ट के साथ डाउन एरो से मैं नीचे की तरफ सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूं जहां तक नंबर वन और नंबर टू है और प्रेस करता हूं कीबोर्ड से कंट्रोल डी। देखो आपके सामने आपके बनाए हुए फंक्शन से एडिशन निकल गया। अभी तक ये काम आप लोग एक्सेल के सम फंक्शन से करते आ रहे थे। तो इस तरह से आप लोग एक्सेल के अंदर वीबीए एडिटर में जाके वीबीए लैंग्वेज के थ्रू बहुत आसानी से अलग अलग टाइप का फंक्शन अलग अलग काम के लिए डिफाइन कर सकते हो, और ये फंक्शन आपके आपका खुद का फंक्शन होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट वाला बात है, आप अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने चार अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस को बनाना और उसको इस्तेमाल करना बताया है। आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लोगे, आने वाले इस सीरीज के वीबीए एक्सेल वीबीए सीरीज के फर्दर वीडियोस में मैं अलग अलग टाइप का फंक्शंस आप लोगों को प्रैक्टिकली बना के बताऊंगा, इस्तेमाल करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो जिसमें आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे आप फंक्शन को बना सकते हो और यूज कर सकते हो, ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी अपडेट मैं दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।